सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया है। यहाँ पर क्योंकि ये पूरी बहस के अंदर एक ही बात चलती है, जो चुनाव हार जाता है वो रोना रोता है। मैं दो चुनाव जीता 50% और 60% वोट से, और बाकी चुनाव में हार गया, ज़्यादा चुनाव हारा हूँ, 7 चुनाव लड़ा हूँ। इसलिए अगर मैं इसके विपक्ष में बोलूँगा तो यही माना जाएगा कि हारे हुए लोग हैं, इसलिए इसका रोना रोने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये रोना मैं अकेला नहीं रो रहा। जैसे भाजपा की बात चल रही थी कि वो तो इसका रोना मतलब बहुत, जब से आया तब से रो ही रहे थे, और तब नहीं रो रहे थे, अभी त्रिपुरा के इलेक्शंस के अंदर आप ये देखिए कि त्रिपुरा के इलेक्शंस में वो यही कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ भी होता है तो हम यही मानेंगे कि ईवीएम की गड़बड़ है, क्योंकि इसको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सत्ता के लोग। उनके बराबर बयान इसी के ऊपर आ रहे हैं त्रिपुरा में अभी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के। जी सॉरी, हो गया उसको लेकर के। मेरा जो पहले सबसे पहले वक्ता ने जो बोला था कि 3% 1.5% की मशीनें अगर कुछ ले ली जाएं तो ही हो जाता है पूरा काम, तो हार्दिक पटेल ने जब गुजरात के चुनाव के अंदर 3500 जो है वीवीपीएटी जो है वो गड़बड़ होने की बात जब कही थी, तभी उससे बात साफ हो गया था कि कुछ मशीनों की गड़बड़ से ही सब कुछ नतीजा आ सकता है। और गुजरात के नतीजों को अगर आप बहुत बारीकी से देखें या बहुत मोटे तौर पे भी देखें तो एक बात समझ में आ जाएगी कि 4 शहरों के अंदर 5,000, 10,000, 20,000 से जीते हैं, और आसपास सब तरफ जो है वो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 से हारे हैं। तो अगर कुछ जगहों पर मैनिपुलेशन शहरों के अंदर अगर पॉसिबल कर लिया गया हो तो वो जो नतीजे दिखलाई पड़े वो हो सकते हैं, मतलब शक की और सुबह की गुंजाइश है। मैं 2-4 आंकड़े यहाँ पर, एक जो आरटीआई के, क्योंकि एक्सपर्ट्स बहुत सारे बैठे हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आंकड़े अभी जो आए 29 मई को चुनाव आयोग ने उनसे पूछा गया कि भाई कुल मिलाकर के कितनी मशीन्स आपके पास में हैं, और फिर दोनों से पूछा गया कि आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से पूछा गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पूछा गया कि आपने कितनी बनाई, तो दोनों के फिगर में जो अंतर आया वो ये आया है, ये 355,737 जो वैलेट यूनिट्स और 1,97,368 यूनिट्स, ये जो है ये दोनों का डिफरेंस आया है। मतलब ये उत्पादन के बारे में पूछा गया था कि कितना उत्पादन हुआ, तो उन्होंने जो उत्पादन बताया इलेक्शन कमीशन ने, और जो दोनों कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं उन्होंने जो उत्पादन बताया, वो दोनों के अंदर ये अंतर है। और ये अगर अंतर है तो सवाल ये है कि ये जो बाकी मशीनें हैं वो सब कहाँ चली गई, ये एक शोध का विषय है जो पूरी की पूरी शंका को जन्म देता है। क्योंकि बीच में इन्होंने कहा कि हम लोगों ने लगभग 35 लाख रुपए खर्च करके 89-90 के बैच की जो मशीनें थी 2013 के अंदर, कुछ को उसको डिस्ट्रॉय करने का हमने काम किया था, लेकिन उसके भी वो डिटेल्स जो है किसी भी स्तर के ऊपर देने को तैयार नहीं है, तो शंका जन्म लेती है। इसी तरीके से अभी फिर आरटीआई के अंदर जो कुछ जानकारी मिली कि कुछ मशीनों के बारे में कि ये मशीनें कुछ लूट ली गई या कुछ चोरी चली गई, तो ऐसी कितनी मशीनें थी, तो उसके अंदर बताया कि 5 राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर 70 ऐसे प्रकरण दर्ज हुए जहां पर मशीनें चोरी हुई हैं या लूट ली गई हैं, और उन मशीनों के बारे में खास ये है कि उसमें एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है और उसके अंदर कोई बरामदगी भी नहीं हुई है, तो इससे भी बहुत सारी जो शंका है वो पैदा लगातार होती है। अब इसके साथ में एक और बात ये है कि फिर से एक केस जो कि अभी विकास नगर, अभी उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुआ, और उस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो पहले मंत्री भी थे, उन्होंने एक केस कोर्ट के अंदर लगाया और उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर डाला, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उससे उन्होंने पूछा आरटीआई से कि कितने कर्मचारी थे जिन्होंने इसका पूरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से असेसमेंट किया था, उन्होंने जाँच पड़ताल की थी, तो उन्होंने बताया कि 8 नियमित कर्मचारी थे जिन्होंने देखरेख की थी, और जब जो जिन्हें हमने भेजा था उत्तराखंड इसकी जांच पड़ताल के लिए,
और जब उत्तराखंड के अंदर ये पूछा गया सरकार से, वहां के राज्य आयोग से पूछा गया, तो उन्होंने बताई 70 की संख्या। मतलब ये है कि जो लोग बनाते हैं, एक तो ये है, दूसरा उसके अंदर जो चिप लगती है, जो टेक्नोलॉजी आती है अमेरिका और जापान से, एक वो है, और उसके बाद में जो मशीनें नीचे तक जो जाती हैं और वापस जब बूथ तक, बूथ से लेकर के और गणना तक जो आती हैं, इसमें हजारों लोग इसके अंदर लगते हैं। और वो सब लोगों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सब में से कोई बिकाऊ नहीं है या किसी को खरीदा नहीं जा सकता, और वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं है। और इसलिए ये जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी चेन है कि वो चेन के अंदर से कुछ ब्लैक शीप्स को निकालना बहुत आसान है, और इसको मैनिपुलेट करने का काम पार्टीज आसानी के साथ में कर सकती हैं। साथियों, जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक बार ये कहा था कि वो 26 मार्च 2017 को चुनाव आयोग ने कहा था कि वो एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं M3, और फिर उन्होंने ये कहा था कि वो जो है उसको 1940 करोड़ के अंदर खरीद लेंगे और 2019 के अंदर वो जो है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये भी कहा था कि उसके अंदर पूरा जो 16 लाख मशीनें जो है VVP ATS वाली खरीदी जाएंगी, उसके साथ में खरीदी जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक जो है दानिश भाई बैठे हुए हैं, बहुत जो है कर्नाटक के चुनाव में सक्रिय हैं, तो कर्नाटक के अंदर भी अभी जो या जहाँ कहीं भी चुनाव हो रहा है, तो क्या वहाँ पर इसके साथ में होगा कि हर जो है वोटर अपना वोट उसको किसने डाला है, उसने कहाँ डाला है, ये वेरीफाई कर पाए? मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर भी ये होने वाला नहीं है। तो जो साथी बहुत उत्साहित हैं चुनाव को लेकर कि उनको भी इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि नतीजे इसके क्या हो सकते हैं। दूसरा कहना ये है कि आप जब 5% की बात करते हैं या आप 1% की बात करते हैं कि हम इतनी ही मशीनों को चेक करेंगे, तो सवाल ये है कि हर मशीन क्यों चेक नहीं होनी चाहिए? ये एक सीधा सीधा सवाल है कि अगर आप सीधे लाखों मशीन हैं और आप हर लाखों मशीन का इस्तेमाल आप करने वाले हैं, तो उसके अंदर से कुछ हजार मशीन ही क्यों चेक होनी चाहिए? सारी मशीन चेक क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सिंपल सा एक आर्गुमेंट है, और क्योंकि चुनाव आयोग इसकी इजाज़त देने को तैयार नहीं है, इसलिए भी जो है इसके बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में एक शंका पैदा होती है। बाकी जो है इसके अंदर ये भी एक बात है कि ये पूरी जो है इसके अंदर तीन यूनिट्स काम कर रही हैं, है ना, अलग अलग काम कर रही हैं, और उसके अंदर बीच में एक दो यूनिट्स हैं अलग अलग, और एक साथ में केबल भी लगा हुआ है, तो मतलब तीन मशीनें अलग अलग हैं, तो तीनों के अंदर गड़बड़ी की संभावना तीन गुना हो जाती है। किसी एक चीज़ को मैनिपुलेट करना और तीन चीज़ें अलग अलग हैं उसके अंदर मैनिपुलेट करना, तो ये भी एक शंका पैदा करने की बात होती है। इस सबसे आगे जा कर के मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हर समय हमने ये देखा है चुनाव के अंदर कि एक एक गांव के अंदर जब जो लोग खड़े होते हैं और वो अपना जब पूरा कुनबा गिनते हैं और वो बताते हैं कि भाई 125 लोग तो हमारे घर के हैं, और जब वोट 5 निकलते हैं तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, गाली गलौज करने लगता है। और ऐसी आप अगर पूरे देश के अंदर, मैं तो वो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग RTI के एक्सपर्ट हैं वो अगर स्टेट्स वाइज अगर निकालना शुरू करेंगे, विशेष तौर पर लोकल इलेक्शंस का या असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी, हम लोगों ने जो इलेक्शंस लड़े हैं उसके अंदर भी, तो ये शिकायतें आपको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपको मिलने वाली हैं, जिससे बहुत शंका पैदा होती है। अब ये सब कहने के बाद में कि जब लोगों को इसके ऊपर शक सुबह है तो फिर क्या किया जा सकता है? मुझको लगता है, और ये बात मैं दानिश भाई को अभी सजेस्ट कर रहा था, कि आप लोगों को ये कह देना चाहिए, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है, उनको कहना चाहिए कि अगर वेरिफिकेशन वाला मसला सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। अगर 2019 का चुनाव पूरे देश के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ऐलान कर दें कि भाई हर वोट के साथ में जो हमारे को दिखना कि वोट कहां पर गया, और गिनती के लिए क्या लगेगा आपको, जितना खर्चा होता है उससे दुगना खर्चा लगेगा। अरे आपका 24 लाख करोड़ रुपया कुल मिलाकर के आपका बजट है ना, और आपको कह रहे हो कि 3100 करोड़ रुपया या 3500 करोड़ रुपया कुल मिलाकर के आपको वेरिफिकेशन के लिए वो मशीन्स के लिए चाहिए, तो वो बहुत छोटा सा अमाउंट है
है ना, आप तमाम किस्म के सेस लगा सकते हो, तो पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ 0.5% सेस भी अगर लगा दोगे तो तुम्हारी कई सारी इस तरीके की शंकाएं जो हैं वो लोगों की दूर हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव पॉलिटिकल पार्टीज को ही लेना पड़ेगा, और ये एक हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो इस सिस्टम पर शंका कर रहे हैं कि ये जब तक जन अभियान के तौर पर नहीं चलेगा तब तक ये बात नहीं बनने वाली है। नहीं तो इक्के दुक्के तौर पर सब अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या जब जो पिटेगा वो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन बात बनेगी नहीं। कम से कम अपोजिशन को इसके बारे में सोचना चाहिए और मोदी जी से ये कहना चाहिए कि भाई आप राफेल डील करते हो पूरा का पूरा जिस देश से, है ना, उस देश के ऊपर बहुत भरोसा है तो उसी का अडॉप्ट कर लो। सिंगापुर भी आप बहुत जाते हो, जापान के साथ भी आप बहुत सारी डील कर रहे हो, पूरा का पूरा जो आप ये बना रहे हो बॉम्बे से लेके यहाँ कॉरिडोर जो पूरा बना रहे हो एशियन बैंक्स के साथ में, तो कम से कम जिन देशों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है कम से कम उनके सिस्टम के बारे में भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मसला पूरा का पूरा कुछ कंपनियों के हाथ में चला गया है, और अगर हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर वही सरकार, ये बात हम आज से नहीं कह रहे, जब मनमोहन सिंह जी बने थे तब हम लोग इस बात को कहते थे कि वर्ल्ड बैंक ने अपना आदमी बैठा दिया, चिदंबरम जी जब बने थे तब भी हम लोग ये बात कहते थे, अमरजीत जी आपको याद ही होगा, है ना, अभी भी वही कहते हैं हम लोग। और अगर हम लोग इस मामले को जो बात हम बोलते हैं उसके अंदर सीरियस हैं कि कुछ कंपनीज पूरे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट या चुनाव के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती हैं, अगर इस बात को हम लोग वास्तव में एक सिद्धांत के तौर पे, विचार के तौर पर हम इस बात को मानते हैं, तो ये मानना चाहिए कि इस सिस्टम को हटाना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम अमेरिका और जापान की दो कंपनियों के हाथ में पूरी तरीके से है। हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, चाहे जो भी कुछ स्टार्टअप इंडिया सब कुछ बोलते रहें, लेकिन वो कोई इंडिया जो है हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम मशीनों में काम नहीं कर रहा है। ये भले ही मशीनें बन रही हों लेकिन बाकी पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मैनिपुलेशन संभव है, और तमाम किस्म की जो बातें, मतलब जिन लोगों ने देखा नहीं होगा, जी समय हो ही गया पूरा, जिन लोगों ने देखा नहीं होगा जो बताया कि भाजपा के जो प्रवक्ता बने हुए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी एट रिस्क जो किताब है उस किताब को आप अभी भी पढ़ेंगे, वो वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, अगर आप अभी भी उसे पढ़ेंगे तो आपको उसका एक एक पॉइंट जो उन्होंने उठाया था वो आज भी आपको वैलिड नज़र आएगा, और उसकी प्रामाणिकता जो है वो चंद्रबाबू नायडू और आडवाणी जी ने दोनों ने प्रूव की हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे जन आंदोलन में कन्वर्ट करना चाहिए। हम लोग आंदोलन वाले लोग हैं, तो यही आपको सबको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, सब लोगों को मिल करके ईवीएम मशीन हटाओ और देश का लोकतंत्र बचाओ, इसका अभियान चलाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।